नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छी खबर है। यहां पर मेरे पास न्यूज़ है 5 नए मेडिकल कॉलेज के बारे में जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। यह आर्टिकल तेलंगाना के स्टेट के बारे में है। 5 मेडिकल कॉलेज को यहां पर परमिशन मिल गया है। MCA के 5 में से 2 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगी और बाकी 3 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहेंगे। अच्छी खबर यह है कि MCA ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस साल के लिए यानी 2019 के एकेडमिक ईयर के लिए इन 5 मेडिकल कॉलेज को परमिशन दे दिया है और इन 5 मेडिकल कॉलेज में आप इस साल से एडमिशन ले पाएंगे। अब टोटल सीट्स कितनी इंक्रीज हो रही है और ये मेडिकल कॉलेज के नाम कौन से हैं वह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। पहले बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हैं। एक जो है मेडिकल कॉलेज ननगोंडा और दूसरा सूर्यपेट में है। ये दोनों मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS सीट रहेगी। तो यहाँ पर इसका यह मतलब रहता है कि 300 MBBS की सीट इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट का फ़ायदा यह रहता है कि फीस जो है काफ़ी कम रहती है और सीट्स उनकी काफ़ी स्पीड से इंक्रीज़ हो जाती है ईयर आफ्टर ईयर। अभी जो है 150 सीट्स है दोनों मेडिकल कॉलेज में, अगले साल 200 हो जाएगी और इवेंचुअली 250 MBBS सीट्स इन दोनों मेडिकल कॉलेज में रहेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर पटना महेंद्र रेड्डी मेडिकल कॉलेज, ममता मेडिकल कॉलेज और सुरभि मेडिकल कॉलेज, 3 कॉलेज है प्राइवेट में। और अच्छी खबर यह है कि इन तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS की सीट्स हैं। तो यहाँ पर टोटल 300 प्लस 400 750 MBBS सीट्स इंक्रीज हो जाएगी इस साल तेलंगाना के स्टेट में। तो ये न्यूज़ मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। 750 और स्टूडेंट को इस साल एडमिशन मिल जाएगा MBBS में और ऐसे ही न्यूज़ और मिलता रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।